आपकी सफलता में इस श्लोक का बहुत 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 योगदान होने वाला है यदि आप आज इसको स्वीकार करते हैं तो। चाणक्य ने बात कही चाणक्य नीति में कि किसी को भी सफलता प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होने के लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, कैरियर में आगे जाने के लिए 8 चीजें छोड़ देनी चाहिए। कितनी चीजें? 8। जरा गिन लीजिए वो 8 चीजें कौन है और कितनी चीजें आप में हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बोले पहले कामम, क्रोधम तथा लोभम, स्वादम श्रृंगार कौतुके, अतिनिद्रा अतिसेवा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, गिन लिए 8। 8 चीजें हैं, 8 चीज कहीं से भी ले लो। कामम, बहुत अधिक काम भावना नहीं होनी चाहिए कि हर बार जहां लड़की देखो फोन लगा दो, SMS कह दो, आई लव यू भेजे लगाओ, इल्यू इल्यू करने लगाओ। ध्यान से सुन लो, कामम कामम, और फिर क्रोधम, और मान लो उधर से आई लव यू नहीं आया तो गुस्साने लगे, इधर से तुमने SMS किया उधर से SMS का जवाब नहीं आया जहाजी, तो मर उखड़ने लगे, पटकने लगे, क्रोधित होने लगे, तो हाँ फोन पटकने लगे, फोन तोड़ने लगे। कामम क्रोधम, है साला नहीं पढ़ेंगे, हमारा हुआ ही नहीं पिछली बार दिए, हमारा तो 100 नंबर वेटिंग आ गया है, चलो हटाओ नहीं। अलोभम, कोई 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 की नौकरी दिखाया, भाग गए लोग। हो सकता है आप पर भी लागू होता रहे, तो हमारी बात नहीं है, बात तो चाणक्य कह रहे हैं। आप ये नहीं कहना कि हर हम सर्वगवा कह रहे का नाश हो, हमारा कहे नाश हो, नाश हो तो चाणक्य का हो, यदि आप कुछ कहोगे तो चाणक्य को लगेगा। हम तो चाणक्य की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने 8 चीजें गिन ली और 8 चीजें लास्ट में लिखा विद्यार्थी की 8 चीजें त्याग देनी चाहिए। काम क्रोध और लोभ और स्वाद, सब्जी में नमक नहीं है, आज सलाद नहीं है, आज समोसा खाएंगे, आज छेठ मिर्चा खाएंगे। स्वादम, स्वाद छोड़, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, जो कुछ भी मिल जाए वही खाना चाहिए, स्वाद को त्याग दो। और श्रृंगार, रोज लिए कंघिन मार रहे हैं, कौनो क्रीमें लगा रहे हैं, कौनो फेशियल करा रहे हैं, कभी दाढ़ी चिकना रहे हैं, कभी बाल कटवा रहे हैं, सारा श्रृंगार सामग्री जो आप करते रहते हो, ये हंसी मजाक करने के लिए नहीं करें। सभी विद्यार्थियों को मूड मुड़ा लेना चाहिए, परीक्षा आ गई मूड मुड़ा लो अपना, झंझट खत्म हो जाए, बोलो हाँ या ना। मूड मुड़ाने से होता है उसकी कंघी शीशा में, जो आप समय लगाते हो ना 5 मिनट सुबह दोपहर संध्या सब खत्म हो जाएगा। श्रृंगार और कौतुक, कौतुक माने कौतूहल, आज मोबाइल में क्या आया है, व्हाट्सएप में क्या आया है, टीवी में क्या चलता है, पिक्चर कौन सी रिलीज हुई, ये सब कौतुक है। और अतिनिद्रा, खाने के बाद 1 बजे सो गए तो कब 5 बज गया पता नहीं चलता, रात में सो गए कब सुबह होगी पता नहीं चलता, ये अतिनिद्रा है। 6 घंटे से ज़्यादा की नींद आप ले रहे हैं तो अतिनिद्रा है। कोई भी विद्यार्थी यदि 6 से 7 घंटे से ज़्यादा की नींद ले रहे अतिनिद्रा है, इसको भी चाणक्य ने कहा छोड़ दो बेटा, पढ़ना है तो छोड़ दो बेटा, अतिनिद्रा। और अतिसेवा, अतिसेवा चाहे किसी गुरु की सेवा हो रही, चाहे पत्नी की सेवा हो रही हो, चाहे आप प्रेमिका की सेवा हो रही हो, या चाहे आप मौसी मौसा की सेवा कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, गाँव की सेवा कर रहे हो, अपने जिले, कोई सेवा का मतलब अत्यधिक सेवा, चाहे वो भगवान की हो, 8 घंटे पता चला पूजा ही कर रहे हैं, तो अति सेवा भी विद्यार्थियों को छोड़ देनी चाहिए, अति निद्रा छोड़ देनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही।